नमस्कार साथियों, अच्छा प्रश्न सीरीज के लेक्चर थर्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम समांतर श्रेणी पर बेस्ड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो अक्सर इस सीरीज में होती हैं, तो इसको भी हम देखते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन गिवन टू एपीज। दो एपी आपके पास है, ठीक है, दो समांतर श्रेणी आपको दिखी है और ये कह रहा है कि इन दोनों में जितने उभयनिष्ठ पद है उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो एपी फर्स्ट है, एपी सेकेंड है, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास कॉमन टर्म्स आएंगी, तो वो कितनी है, उनका नंबर क्या है, ये हमको कैलकुलेट करना है। एक कॉमन टर्म है, दो है, तीन है, चार है, कितनी है, ठीक है, ओके। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आने वाला जो कॉमन टर्म है ना, उसको हम कैसे करके कैलकुलेट कर ले। और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो आपके पास सीरीज रखी है, चेक करो क्या इनमें कुछ कॉमन दिख रहे हैं। अगर दिख रहा है तो हमारा काम यहीं पे बढ़ जाएगा, नहीं दिखा तो इन दोनों को थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो मैं इनको एक्सपेंड कर देता हूं, क्यों, क्योंकि हमारे पास इन तीनों में और इन तीनों में कोई भी कॉमन टर्म नहीं दिख रही है, ठीक है। तो पहले वाली जो एपी है उसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं, 3, 7, 11 यहां तक तो हमको मिला हुआ है। डिफरेंस कितने का है, 4 का है, तो मैं 4 प्लस करता चलूंगा, 15, 19, 23, 27 एंड सो ऑन। अगर जरूरत पड़ेगी तो और एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या है इसकी, 407 है। अब जो सेकंड एपी है ना, तो सेकंड एपी को भी आपको ऐसे ही एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो सेकंड एपी में लिख रहा हूं 2, 9, 16, डिफरेंस कितने का, 7 का है ना, तो 7 प्लस करते चलेंगे, 23, चेक करो 23 आ गया क्या, आ गया। तो ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट टर्म लिख दो इसकी 709, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे होंगे जो 23 है ना, वो एक ऐसी टर्म है जो दोनों में कॉमन है, यानी फर्स्ट कॉमन टर्म हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। इस फर्स्ट कॉमन टर्म को मैं ए से डिनोट कर देता हूं, ओके। एक बात और ध्यान देना कि ये जो दोनों एपीज है ना, इनमें जो कॉमन टर्म्स हमको मिलेगी तो उनसे भी एक नई एपी बनती है, ठीक है। अगर जो भी कॉमन टर्म्स आएंगे हमारे पास वो खुद एक एपी है, तो उसमें कॉमन डिफरेंस भी होगा, ठीक है। वो कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अगर वो कॉमन डिफरेंस मेरे को मिल जाता है तो उस डी को मैं इसमें प्लस करता चलूंगा, मेरे पास वो एपी आ जाएगी, और वो एपी आ जाएगी तो नंबर ऑफ टर्म भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो वो डी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जो एपी है यहां से देखो D1 क्या है, फर्स्ट वाली से कितने का कॉमन डिफरेंस है, 4 का। जो सेकंड एपी है वहां से जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैंने D2 से डिनोट कर दिया और वो है मेरे पास 7, ठीक है। तो हमको जो डी चाहिए, जो कॉमन डिफरेंस चाहिए, किसके लिए, जो कॉमन टर्म की एपी बनेगी ना, उस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस मैं फाइंड करना चाह रहा हूं। तो वो डी कैसे कैलकुलेट होगा, जो आपके पास दोनों एपी है इन दोनों के कॉमन डिफरेंस D1 और D2 का एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम, ठीक है। तो यहां पे मैं इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, वो क्या होगा हमारा, वो डी होगा, कॉमन डिफरेंस जो कॉमन टर्म है उससे बनने वाले एपी के लिए, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 28 आएगा, आ गया डी आ गया। अगर मैं चाहूं तो सीरीज बना सकता हूं, कैसे, फर्स्ट टर्म है मेरे पास 23 कॉमन टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और सेकंड क्या आएगी, ये डी प्लस करता चलने, ठीक है। तो डी क्या मेरे पास 28 है, चाहो तो मैं प्लस करके लिख सकता हूं, लेकिन जरूरत है नहीं मेरे को, है ना, हमको तो नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करनी है। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, डी है हमारे पास, ठीक है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एन की वैल्यू तो तभी कैलकुलेट करें जब हमारे पास लास्ट टर्म हो, है ना। अब यहां पे देखो लास्ट टर्म ये वाली बनने वाली है, क्यों, क्योंकि इसने बोल रखा है कि कॉमन टर्म्स आपको बतानी है, उभयनिष्ठ पदों की संख्या बतानी है। अगर मैं 407 से आगे जाता हूं तो ये तो खत्म हो गई, उभयनिष्ठ किस में देखेंगे, एक में थोड़ी ना उभयनिष्ठ देखा जाता है, कंपेयर करवाने के लिए दूसरी एपी होनी चाहिए। तो जो दूसरी एपी थी हमारी वो तो 407 भी खत्म हो गई है, ठीक है। तो अंतिम पद हम इसको 407 को मानते हुए चलेंगे, अगर हमने इसको मान लिया अंतिम पद, तो इससे पहले के जो पद है और जो 407 के पद है वो तो सारे के सारे इसी में आएंगे, तो कॉमन तो होगा नहीं, है ना, एक एपी से क्या कॉमन होगा, ठीक है। इसलिए जो आपको इन दोनों में लास्ट टर्म जो छोटी मिल रही है उसको आप an लेट करके चलोगे, लास्ट टर्म लेट करके चलोगे, ठीक है। तो यहां पे an क्या बनने वाला है, 407, ठीक है। अब an का फॉर्मूला हम यूज करने वाले, वहां से n आ जाएगा हमारे पास, an होते क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, an क्या है आपके पास 407 इक्वल a, a क्या है 23 प्लस n नहीं है, d 28 है। अब इसको कैलकुलेट करो, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 407 माइनस 23 और इधर क्या बचा 23 है, ये n माइनस 1 इंटू 28, तो उसको मैंने अपॉन में भेज दिया 28, ठीक है। सोल्व करो कितना आएगा, 7 माइनस 3 4, ओके, और ये हो गया 38 और नीचे 28 और बराबर में क्या है n माइनस 1,
ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, चार से कट रहे हैं, नीचे आ गया सात, चार से काटो, चार नम 36, दो 24, चार छह के 24, ठीक है, छियानवे बटे सात, ये माइनस एक इधर आएगा तो प्लस एक हो जाएगा, छियानवे प्लस सात नीचे सात, लघुतम ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो नौ और ये कितना हो गया, छह सात तेरह, 103, नीचे सात, ये एन का मान आ रहा है ना, लेकिन नंबर ऑफ टर्म वो तो पूरी पूरी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम यहां पे सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखो सात एकम सात तीन, तैतीस, सात चौक अट्ठाईस, कितना हो गया, अट्ठाईस पांच तो पचास, तो सात सात उनचास, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा अब देखो यहां पे जो पूरा पूरा नंबर है ना वो हमारा आंसर होगा, ऐसा क्यों, डेसिमल में क्यों आ रहा है, देखो हम कॉमन टर्म देख रहे हैं, है ना, अब जरूरी थोड़ी है कि जो कॉमन टर्म हमको मिल रही है उसकी लास्ट टर्म डेफिनेटली यही हो, मतलब ये दोनों में कॉमन हो, ठीक है, लास्ट टर्म जो छोटी वाली थी उसको हमने लिखा है, है ना, अगर ये जो ए एन आप यहां पे आपको मिल रहा है 407 छोटे वाला, अगर ये इसमें भी आता तो एन की वैल्यू पूरी पूरी आती, ठीक है, इस वजह से एन की ये जो 407 है ये कॉमन टर्म नहीं है, इस वजह से डेसिमल में आ रही है, तो इससे पहले जो भी टर्म है ना, जो भी टर्म है ये 14.7 नंबर की टर्म है, है ना, तो उससे पहले कि अगर मैं नंबर टर्म की बात करूं तो 14 टर्म ऐसी हैं जो कॉमन आ चुकी हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितनी है हमारे पास, 14, तो एन की वैल्यू क्या आएगी यहां पे, 14 आएगी, ठीक है, तो यही मेरे को आज के इस वीडियो में बताना था, थैंक यू।